महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर है, जिनमें से मुंबा देवी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मुंबा देवी मंदिर की महिमा अपरंपार है। मुंबई नाम ही मराठी के शब्द मुंबा आई यानी मुंबा माता के नाम से निकला है। मुंबा देवी मंदिर का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। पूरे महाराष्ट्र में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये मंदिर वुलेसर में निर्माण किया गया है। यहाँ पर आने के लिए आपको मस्जिद बंदर स्टेशन से 10 मिनट चलकर मंदिर तक आना है। मंदिर के पास पहुंचकर आपको यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप माता के लिए प्रसाद, सिंदूर, साड़ी ले सकते हो। यहाँ पर आपको माता की फोटोज भी मिल जाएंगे जो आप खरीद सकते हो। मंदिर में ये आप सामने देख सकते हो, ये एंट्री गेट है और उसके बाजू में एग्जिट गेट है और एक पीछे तरफ भी एग्जिट गेट। आगे सिक्योरिटी पॉइंट से एंट्री करके आपको सबसे पहले संतोषी माता की प्रतिमा देखने को मिलेगा, फिर अंदर जाकर साईं बाबा, सत्यनारायण, सिद्धि विनायक जी का प्रतिमा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हनुमान जी, महादेव जी, कृष्ण भगवान जी का मंदिर भी है, आपको दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। क्या आपको पता है मुंबई देवी माता लक्ष्मी देवी की रूप है, इसीलिए मुंबा देवी जी को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और मुंबई को लक्ष्मी देवी के घर कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुंबा देवी की नारंगी चेहरा रजत मुकुट से सुंदर प्रतिमा स्थापित किया गया है और उनके पास अन्नपूर्णा और जगदम्बा माता की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा। मुंबा देवी को मुंबई की ग्राम देवी के रूप में पूजा किया जाता है। हर शुभ काम करने से पहले मुंबा देवी की पूजा की जाती है। इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि मुंबई आरंभ में मछुआरों की बस्ती थी। इन लोगों को यहाँ कोली कहा जाता था। कोली लोगों ने बोरी बंदर में तब मुंबा देवी के मंदिर की स्थापना करी। कहा जाता है कि इन देवी की कृपा से मछुआरों को कभी समुद्र ने नुकसान नहीं पहुँचाया। ये मंदिर अपने मूल रूप में उस जगह बना था जहां आज विक्टोरिया टर्मिनस बिल्डिंग है। ये 1737 में निर्माण किया गया था। बाद में अंग्रेजों के शासन के दौरान मंदिर को मरीन लाइंस में बाजार के बीच में स्थापित किया गया। उस मंदिर के तीन और एक बड़ा तालाब था जो अब पाट कर बराबर कर दिया गया है। इस मंदिर की भूमि पांडु सेठ ने दान की थी। शुरू में मंदिर की देखरेख उन्हीं का परिवार करता था। मंदिर के मुंबा देवी के वाहन प्रतिदिन बदला जाता है। सोमवार को नंदी, मंगलवार को हाथी, बुधवार को मुर्गा, गुरुवार को गरुड़, शुक्रवार को हंस, शनिवार को हाथी और रविवार को सिंह वाहनों का मुंबई देवी की प्रतिमा सजाया जाता है। ये सभी वाहन चांदी के बने हुए होते हैं। मुंबा देवी मंदिर में प्रतिदिन 6 बार आरती किया जाता है। मंगलवार को भक्तों की भीड़ बहुत रहता है। क्या आपको पता है यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए लकड़ी पर सिक्कों को कीलों से ठोका जाता है। मुंबा देवी के नाम पर मुंबई का नाम रखा हुआ है, क्योंकि धन को माया भी कहा जाता है, इसीलिए मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी को समुद्र की बेटी माना जाता है, इसीलिए जो भी शहर समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं उन शहरों को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए मुंबई इन्हीं में से एक है जिसे भारत में सबसे रईस शहरों में गिना जाता है। उम्मीद है मुंबा देवी के बारे में ये जानकारी पाकर आपको अच्छा लगा हो। आपको कभी भी मुंबई आने का मौका मिले तो ये मंदिर जरूर विजिट करना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। जय माता दी, नमस्ते।